अब हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इनिशियली जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगते हैं उनकी अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है। वैसे तो हमने पढ़ा कि लेसर जो होता है वो उसे लेसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, और जो लेसी होता है वो उसे एसेट में ऐड कर देता है। बट कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी है जो हम लोगों को समझने हैं, जैसे कि जो एसेट लीज पे दिया गया है वो कंपनी के गुड्स है, कंपनी जिन गुड्स में डील करती है यानी कंपनी की इन्वेंटरी, उन्होंने इन्वेंटरी को लीज पे दे दिया। अब अगर इन्वेंटरी को लीज पे दे दिया और फाइनेंस लीज है, फाइनेंस लीज यानी कि समझिए कि हम जिन गुड्स में डील करते हैं हम उनको बेचते हैं, तो हमने किसी को वो फाइनेंस लीज पे दे दिया, मतलब क्या कि हमने सामने वाले को लोन दिया जिसके बदले में उसने हमारे ही गुड्स, हम जो मैन्युफैक्चर करते हैं वही गुड्स खरीद लिए और उस बदले में धीरे 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 लोन के इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहा है। तो बेसिकली हमने उसे फाइनेंस अपने ही गुड्स खरीदने के लिए किया है। ऐसा तो बहुत सारी कंपनीज करती है, यानी कि अगर आप किसी कंपनी में जाए, कंपनी में जाके उनके कोई भी प्रोडक्ट वगैरह परचेज कर रहे हैं, तो वो लोग आपको लीज सर्विस यानी आपको ईएमआई सर्विस देते हैं कि ठीक है आप इसके अगेंस्ट में हमें पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में दीजिए। बहुत सारे लोगों का बैंक से टाइप होता है, बहुत सारे लोग खुद आपको ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो अब ट्रांजैक्शन चार्ज लगा, तो जो ट्रांजैक्शन चार्ज लगा वो तो हमारा रूटीन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कैरी आउट करने के लिए लगा। हम हमारी गुड्स, हमारी इन्वेंटरी को ही तो लीज आउट कर रहे हैं, तो जब हम हमारी ही इन्वेंटरी को लीज आउट करते हैं तो ये तो हमारा ही ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है जिसके अगेंस्ट में ट्रांजैक्शन चार्ज लग रहे हैं। और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लगने वाले चार्जेस, कोई भी एक्सपेंस, आपके पीएनएल में जाता है, अमोर्टाइज होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो ऐसे केस में हम लोग जो फाइनेंस लीज के चार्जेस पे करते हैं वो हम पीएनएल में चार्ज करते हैं, ठीक है। सो आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसर, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसर। पर अगर ऑपरेटिंग लीज है मतलब हमने हमारे जो गुड्स दिए वो हमारे पास ही वापस आएंगे। अब ये कब होता है, जैसे महिंद्रा है, मारुति है, ये लोग क्या करती है, बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज होती है, ये बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज में बेसिक फंडा क्या होता है कि हमारे यहाँ जो एम्प्लॉई है उनको हम लोगों को कार सर्विस भी देना है जो सीनियर एम्प्लॉईज है। तो जैसे कि अगर सपोज कीजिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आप बिग फोर में काफी सीनियर पोस्ट के ऊपर बैठे हैं और बिग फोर आपको एक कार भी देता है कि चलो ठीक है आप, हम बॉम्बे में काम कर रहे हैं हम आपको कार भी देते हैं। अब आप बॉम्बे में रहे 3 साल तक के, आपको कार दी गई, फिर उसके बाद में आपका ट्रांसफर हो गया और आपकी जगह पे वहां पे कोई नया बंदा आया, अब उसको वही सेकेंड हैंड कार दोगे ना तो उसका ईगो हर्ट हो जाता है, बोलता नहीं मेरे को नई कार होना, नहीं भी दे रहे हो ना तो उसमें 10 तरह की तकलीफ निकाल देगा, गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है, वो नई कार लेने लगाता है। अभी कंपनी इसको हर बार नई कार खरीदना नहीं पूरा था, तो ये कंपनी क्या करती है, जो मेन शोरूम्स होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उन्हीं से ये कार रेंट पे ले लेती है और उनको बोलती है कि जब हम इतने साल यूज करेंगे इतने साल बाद हम आपको कार वापस कर देंगे। जब ये कार महिंद्रा मारुति वापस लेता है तो उनके जो ट्रू वैल्यू शोरूम्स है वहां पे सेकंड हैंड में सेल करता है, तो दे हैव द सेकंड हैंड मार्केट शोरूम एज वेल, इसीलिए उनको फर्क नहीं पड़ता। ये भी उन लोगों ने एक इनकम का सोर्स स्टार्ट कर दिया। अब आप अपने ही गुड्स को लीज पे दे रहे हो किसी को, ऑपरेटिंग लीज है और ऑपरेटिंग लीज के अंदर में ट्रांजैक्शन चार्ज लग गया, तो ये गुड्स तो अपनी अपनी इन्वेंट्री अपने पास वापस आने वाली है और अपनी इन्वेंट्री अभी अपने बुक्स में ही दिख रही है, बेचा तो है नहीं, बेचा है नहीं और ऑपरेटिंग लीज है, तो ऐसे में जो ट्रांजैक्शन चार्ज लगते हैं वो ऑपरेटिंग लीज में ही अमोर्टाइज हो जाते हैं, स्ट्रेट लाइन करने में एडजस्ट करते हैं। आपका जो प्रीपेड रेंट हम स्ट्रेट लाइनिंग कर रहे थे ना, वहां पे ये डिडक्ट करके स्ट्रेट लाइन किया जाता है, ठीक है। अमोर्टाइज यूजिंग स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट, तो दे आर नोन एज बेसिकली द मैन्युफैक्चरर्स और द डीलर्स। तो मैन्युफैक्चरर्स और डीलर्स को कोई ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है तो वो पीएनएल में एक्सपेंस ऑफ करते हैं, अगर फाइनेंस लीज है, ऑपरेटिंग लीज है तो अमोर्टाइज करते हैं। उनके अलावा जो रहते हैं यानी जिनके लिए ये एसेट एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, उन्हें तो कैसा भी ट्रांजैक्शन चार्ज लगे वो हमेशा उसे एडजस्ट करते हैं टू अफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। ऑपरेटिंग लीज में तो स्ट्रेट लाइनिंग का ही कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेट लाइनिंग ही होगी। हम लोग हमने ये वाला पार्ट पढ़ा है एडजस्टिंग टू ईआरआर, बाकी के पार्ट्स हमने नहीं देखे। पीएनएल वाला पार्ट कॉन्सेप्ट तो एकदम सिंपल है, यू आर अ मैन्युफैक्चरर, एक्सपेंस ऑफ कर दो इमीडिएटली। अब मैं आपको लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखा देता हूं कि लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शन चार्ज फाइनेंस लीज है और अगर आपने अपनी गुड्स या इन्वेंटरी परचेस की है तो सीधी बात है इन्वेंटरी की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा, ये इनिशियल कॉस्ट हो गया इन्वेंटरी को परचेस करने का, बराबर है। तो ट्रांजैक्शन चार्ज की बात करो, इंटरेस्ट की नहीं, डेफर्ड इंटरेस्ट इज एक्सक्लूडेड अंडर इंड एस 2, पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो इंक्लूड किया जाएगा।
तो एड टू इन्वेंट्री, ऑपरेटिंग लीज है तो स्ट्रेट लाइन, अदर्स एड टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और ऑपरेटिंग लीज है तो अमोर्टाइज, क्योंकि ऑपरेटिंग लीज में तो एसेट अपने बुक्स में दिखता ही नहीं, इसीलिए इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं रहता, अमोर्टाइजेशन ही होता। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इनसे रिलेटेड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, लीज रेंट 5 लाख पर एनम फॉर 5 ईयर्स, ऑपरेटिंग लीज है, ट्रांजैक्शन चार्ज लगा 1 लाख रुपए, क्या करना है? अभी सिंपल कहानी है, ऑपरेटिंग लीज है, 1 लाख को 5 साल में अमोर्टाइज कर देंगे, चाहे लेसर हो या लेसी हो, चाहे मैन्युफैक्चरर हो या अदर देन मैन्युफैक्चरर हो, क्योंकि ऑपरेटिंग लीज है, एक ही कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेट लाइनिंग, 1 लाख डिवाइडेड बाय 5, 20,000 पर एनम, यानी बेसिकली आपका लीज रेंट अब 4,80,000 दिखेगा और कुछ नहीं। लीज रेंट ऑफ ₹5 लाख पर एनम फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर, डिस्काउंट रेट 5%, डिटरमाइन द फाइनेंस लीज टू बी एक्सपेंस्ड ऑफ, लेसर बीइंग नॉन मैन्युफैक्चरर, नॉन मैन्युफैक्चरर हमने कर लिया, लेट सी लेसर बीइंग मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर है, फाइनेंस लीज है, तो ऐसे एक्सपेंसेस को इमीडिएटली पीएनडीएल में एक्सपेंस ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे इफ मैन्युफैक्चरर एक्सपेंस ऑफ टू पीएनडीएल। और यही क्वेश्चन अगर लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो अपने फिक्स एसेट में इस कॉस्ट को ऐड कर देंगे, फिक्स एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे या इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। क्लियर? सो द कॉन्सेप्ट इज कंपैरेटिवली वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा ट्रिकी पॉइंट इसके अंदर में कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस है जो हम लोगों को देखने हैं, हम लोगों ने डिस्कस नहीं किए, रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस लीज। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 18। ऑन 1 अप्रैल 2001 मर्क्यूरी लिमिटेड लीज द मशीन टू प्लूटो लिमिटेड फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, 3 ईयर्स, एक्सपेक्टेड फ्यूचर लाइफ ऑन 1 अप्रैल 2001 वॉज 8 ईयर्स इफ द मशीन ब्रेक्स डाउन। अंडर द टर्म्स प्लूटो लिमिटेड वुड बी रिक्वायर्ड टू रिपेयर द मशीन, यानी लेसी के ऊपर जिम्मेदारी है। प्लूटो एग्रीड टू अलाउ मर्क्यूरी टू यूज द मशीन फॉर द 1st 6 months ऑफ लीज विदाउट एनी पेमेंट ऑफ रेंट, रेंट फ्री एज इंसेंटिव। आफ्टर द इनिशियल पीरियड लीज रेंटल इज 2,10,000 पर एनम 6 मंथली, वर पेबल 6 मंथली इन अरियर्स, फर्स्ट फॉलिंग ड्यू ऑन 31st मार्च 2002। ठीक है, एक्सप्लेन रिक्वायर्ड एज पर इंड एस 17। अब आपने एक एसेट 3 साल के लिए लीज पे किया है जिसका इकोनॉमिक लाइफ है 8 साल, हमें फेयर वैल्यू वगैरह दी नहीं गई है, तो लाइफ के बेसिस पे बोलूं तो ये तो ऑपरेटिंग लीज है। 6 मंथली रेंट है 2,10,000, 2,10,000, तो हम लोग क्या करेंगे, 2,10,000 की हमें 5 इंस्टॉलमेंट मिलेगी। देखो 6 मंथली है, पहले 6 महीने रेंट फ्री, फिर अगले 6 महीने, उसके अगले साल के 2, और उसके अगले साल के 2, हो गए 3 साल, पहले 6 महीने फ्री, तो पहले साल का सिर्फ 1 इंस्टॉलमेंट मिलेगा, उसके अगले साल 2, और उसके अगले साल 2, तो ऐसे आपका टोटल पूरा का पूरा मिला के 5 इंस्टॉलमेंट्स आएगी, जिसे हमें इन 6 इंस्टॉलमेंट्स में अमोर्टाइज करना है या 3 साल में अमोर्टाइज करना है, जैसा भी आपको आंसर में दिया रहे, यानी एग्जाम में आप जैसा भी लिखना चाहें, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। या तो 6 मंथली आप 175 का रेंट दिखाएंगे, या फिर आप 350 का एनुअल रेंट दिखाएंगे। ठीक है, लेट्स चेक, 350 एनुअल रेंट हम लोगों को दिखाना है। तो अब फर्स्ट ईयर में 350 का आप रेंट दिखा रहे हो, पर एक्चुअल में रेंट सिर्फ 2,10,000 रुपीज पे हुआ है, 2,10,000, तो मैंने फर्स्ट ईयर में रेंट दिखाया 2,10,000, पे किया 2,350 दिखाया है, पे किया 2,10, 140 डिफरेंस आ रहा है। इसके नेक्स्ट ईयर फिर मैंने एक्सपेंस दिखाया 350, पर अब पे किया है 4,20,000, क्योंकि 6 महीने के 2,10,000 और 6 महीने के 2,10,000, अगले साल तो 2 इंस्टॉलमेंट पे होगी, यानी आपने 70,000 नेक्स्ट ईयर एक्स्ट्रा पे कर लिया। तो इस साल मैं जो 140 दिखा रहा हूँ उसमें से मुझे पता है कि 70,000 नेक्स्ट ईयर पे हो जाएंगे, पे हो जाएंगे, इसीलिए मैं इसमें से 70,000 को करंट लायबिलिटी दिखाऊंगा और बचे हुए 70,000 को नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट दैट इज एक्सप्लेन्ड ओवर हियर। अगला देखते हैं, द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट टू लीज मैन्युफैक्चरिंग मशीन फॉर अ 2-ईयर पीरियड, एस्टिमेटेड यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ M1 एट द स्टार्ट ऑफ द लीज वॉज 5
5 years. It was the responsibility of the lessor to repair and insure M1. The lease contract stated that Venus Limited should pay a deposit of 6 lakh at the start of the lease, followed by a monthly payment of 2 lakh rupees in arrears. तो भाई 6 लाख रुपए का डिपॉजिट है एट द स्टार्ट ऑफ द लीज और हर साल हमें 2-2 लाख रुपए पे करना है. 2 साल की लीज है. लाइफ एट द स्टार्ट इज 5 इयर्स. तो पहले तो लाइफ देख के समझ में आता है कि यार ये तो ऑपरेटिंग लीज है, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट नहीं दिया है, तो इसे ऑपरेटिंग लीज बोल देंगे. अगर ऑपरेटिंग लीज बोल देंगे तो स्ट्रेट लाइनिंग होगा. 6 लाख और 2 लाख दो बार क्योंकि 2 ही साल का कॉन्ट्रैक्ट है. 10 लाख डिवाइडेड बाय 2, 5 लाख रुपए का रेंट हर साल दिखाना है. समझ में आया? 5 लाख रुपए का रेंट हर साल दिखाना है. अब फर्स्ट ईयर में आप एक्सपेंस दिखाओगे 5 लाख का, पे आपने किया है 6 का डिपॉजिट और 3 8 लाख, यानी जो डिफरेंस है 3 लाख वो आपके बुक्स में प्रीपेड रेंट दिख रहा है बेसिकली. नेक्स्ट ईयर फिर आप 5 लाख का एक्सपेंस दिखाओगे और 2 लाख रुपए आप पे करोगे, तो यही जो 3 लाख रुपए ये रिवर्स हो रहा है, यानी ये पूरा का पूरा 3 लाख आज की डेट में करंट एसेट दिखेगा. एक्स्ट्रा पेड है, करंट एसेट दिखेगा, ये बातें ध्यान में रखिएगा. सॉरी, 2 लाख का मंथली रेंट है. सो लेट मी जस्ट चेंज दिस आंसर. 2 लाख का मंथली रेंट है, तो अब ये हो जाएगा कि आपने जो अमाउंट एक्सपेंस दिखाना है वो सब कुछ अभी चेंज हो जाएगा. टू लाख के 24 इंस्टॉलमेंट्स और 6 लाख का डिपॉजिट, 54 लाख डिवाइडेड बाय 2 इयर्स, 27 लाख. तो हम फर्स्ट ईयर में जो एक्सपेंस दिखाएंगे वो दिखाएंगे 27 लाख. पे हमने किया 2 लाख के 12 इंस्टॉलमेंट्स और डिपॉजिट 30 लाख. डिफरेंस अभी भी वही 3 लाख. दिस 3 लाख विल बी कंसिडर्ड टू बी अ करंट असेट क्योंकि इतना एक्स्ट्रा पेड है जो नेक्स्ट ईयर एडजस्ट हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर सेट ऑफ हो जाएगा. ठीक है, तो 27 लाख का एक्सपेंस दिखाएंगे. लेट्स लुक एट द मशीन 2. सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज वॉज फॉर 4 ईयर पीरियड विच इज द एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ. तो जितनी इकोनॉमिक लाइफ है उतने समय के लिए लीज पे है. वीनस लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर रिपेयर एंड इंश्योर M2 विच हैज नो एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड. द लीज रेंटल इज 10,000 फॉर एवरी 6 मंथ्स पेएबल इन एडवांस. द रेंट इम्प्लिसिट रेट इज 5% पर 6 मंथली पीरियड एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट वॉज वेरी क्लोज टू द फेयर वैल्यू एंड द इंसेप्शन ऑफ द डेट विच इज 70,000. तो प्रेजेंट वैल्यू इज सेम एज इक्वेलेंट टू फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट. तो इसका मतलब आप इसे फाइनेंस लीज बोलोगे, हम इसे फाइनेंस लीज ट्रीट करेंगे. तो चलिए फाइनेंस लीज के बेसिस पे अगर आप ट्रीट करोगे तो हम टैब्यूलेट कर लेते हैं. सो नाउ द ओपनिंग इज 70,000, इंटरेस्ट इस पे हम 5% ले लेंगे. पेमेंट है 10,000. पेमेंट अरियर में था कि एडवांस में था? पेबल इन एडवांस है. सो लेट मी जस्ट चेंज द आंसर अगेन. डिफरेंस आया 60,000, तो इंटरेस्ट उसके ऊपर आएगा. 5% इंटरेस्ट इज 3,000, तो आपका क्लोजिंग हो जाएगा 63,000. तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग हो गया, यानी नेक्स्ट 6 मंथ्स का ओपनिंग हो गया. सॉरी, पेमेंट होगा 10,000, डिफरेंस आया 53,000, इंटरेस्ट 53,000 पे 5% इज 2,650, 55,650. ठीक है, अब हमारा ये जो रेंट का कहानी है ये स्टार्ट हुआ है 1st अप्रैल को. तो हमारा जो पहला साल एंड हुआ वो 31st मार्च 2002 को एंड हुआ. ये बस 31st मार्च 2002 एंड हुआ होगा. आगे बढ़ते हैं. 55,650 नेक्स्ट 10,000 रुपीज आपने पे किया, तो ये हो गया 45,650.
इस पे 5% है 2283, जो कि हो गया 47933, जिसमें 10,000 रुपीज पे हो रहा है। डिफरेंस आ रहा है 37,933। जिसमें इंटरेस्ट आएगा 1897, तो हो गया 39,830। यानी नेक्स्ट ईयर में अगर मैं पूछूं कि 55,650 में से करंट लायबिलिटी कितनी है और नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है, तो करंट लायबिलिटी एक तो 10,000 होगी जो इमीडिएटली पे करना है, पर जैसे ही आप इमीडिएटली 10,000 रुपए पे करोगे उसके बाद इंटरेस्ट आएगा 2283, और 2283 के इंटरेस्ट के बाद आप फर्दर 10,000 रुपए पे करोगे अगला इंस्टॉलमेंट, यानी जो अगला इंस्टॉलमेंट आप 10,000 पे करे उसमें पहले ये 2283 का इंटरेस्ट आ गया, बराबर है। तो अब अगर मैं वो माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस 10,000 माइनस 2283, वन सेवन सेवन वन सेवन। और नॉन करंट लायबिलिटीज की अगर मैं बात करूं, नॉन करंट लायबिलिटीज की, तो नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर में बाकी का अमाउंट आ जाएगा 55,650 माइनस 1,7717, 37933, ठीक है, 37933। तो कुछ इस तरीके से इस पूरे की अकाउंटिंग होगी। चलिए हम देख लेते हैं, 37933, 1,7717। सो आई होप ये पूरा का पूरा क्वेश्चन के पीछे जो भी लॉजिक था वो भी लॉजिक भी आपको पूरा का पूरा क्लियर होगा। सो विद दिस वी एंड दिस वीडियो एज वेल।